हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पानी पूरी का एकदम टेस्टी एंड चटाकेदार तीखा और मीठा पानी की रेसिपी। देखकर ही मुंह में पानी आ गया ना। तीखा पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम धनिया और पुदीने के पत्ते को अच्छे से धो करके क्लीन कर लिया है। इन सबको अब एक मिक्सर के जार में ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून जितना चॉप किया हुआ अदरक है, 3 टेबलस्पून गार्लिक है, लहसुन है, ये ऑप्शनल है। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून काला नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च का पेस्ट है या फिर आप यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। और इन सबको अब अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है, इसको ज़रा भी दरदरा नहीं पीसना है, इसका एकदम अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने इसको एकदम बारीक पीस लिया है और मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था इसको ग्राइंड करने के समय पे, 1/4 कप जितना पानी मैंने ऐड किया था। और आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन चुका है। और इसको मैंने एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर एकदम ठंडा पानी ऐड किया है। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसमें फिर से थोड़े से मसाले करने हैं। तो 1/4 टीस्पून जितना मैंने हींग ऐड किया है, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून पानी पूरी का मसाला जो पैकेट में आता है वो मैंने ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून जितना जलजीरा पाउडर ऐड किया है। और अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसको टेस्ट कर लेना है। अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और ये पानी रेडी है। आप इस पानी को छान भी सकते हैं लेकिन मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। और यहाँ पे ये होममेड बूंदी है, ये ऑप्शनल है, तो मैंने अभी अभी बनाई है तो मैंने ऐड कर दी है। और ये हमारा तीखा तीखा चटपटा पानी रेडी है। मीठा पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम इमली को अच्छे से धो लिया है, क्लीन कर लिया है। तो ये 100 ग्राम है तो इसे एक पैन में ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और ये 300 ग्राम्स के करीब गुड़ है, ये सॉफ्ट गुड़ है इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया है, अगर हार्ड हो तो आप चॉप करके डालें। अब इस गुड़ को मेल्ट होने तक अच्छे से कुक कर लेना है। तो इस तरह से चलाते हुए आप देख रहे हैं कि गुड़ जो है वो मेल्ट होने लगा है और ये जो पानी है वो उबलने लगा है और इमली भी सॉफ्ट होने लगी है। अब ऐड करना है इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है और उसके बाद इसको ठंडा कर लेना है। तो ये बॉईल हो चुका है और अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। और अब इसमें जो इमली है उसको इस तरह हाथों से स्मैश कर लेना है, उसका सारा पल्प निकाल लेना है और अब इस पानी को छान लेना है। तो इस तरह से एक छन्नी में पानी को डालना है और इस तरह से स्पैचुला से इमली को प्रेस करते हुए उसका सारा पल्प निकालते हुए इस पानी को छान लेना है। यहाँ पे आप खजूर इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। तो देखिए मैंने सारा पानी छान लिया है और ये मीठा पानी रेडी हो चुका है। तो फाइनली इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं सर्विंग बाउल में। बहुत ही टेस्टी बना है और ये बूंदी मैंने घर पे बनाई है तो ये मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप मत ऐड कीजिएगा। मिक्स कर लेना है और बहुत बहुत टेस्टी पानी रेडी हुआ है। पानी पूरी में स्टफिंग भरने के लिए मैंने 400 ग्राम पोटैटो और 2 कप चने को अच्छे से सॉल्ट डालकर बॉईल कर लिया है। 1 कप बारीक कटा हुआ मैं अनियन ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड करना है, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है,
ग्रीन चिली का पेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है और सॉल्ट मैंने बॉइलिंग के टाइम पे ही ऐड कर दिया था तो अभी मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा पोटैटो का स्टफिंग भी रेडी हो चुका है, तो इसे भी एक सर्विंग बाउल में सर्व कर देते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी मसाले डाल सकते हैं। इसको टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा सारे मसाले सही है या नहीं। तो ये भी रेडी है और हमारा पानी भी रेडी है, तो इसे भी सर्व कर देते हैं। बहुत यमी एंड टेस्टी बना है और मैंने होममेड पूरी भी बनाई है, तो आप सुन लीजिए आवाज़। तो ये क्रिस्पी और करारे करारे गोलगप्पे की रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी यानी कि गोलगप्पे की यानी कि पानी पूरी की इस पूरी की रेसिपी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।